हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा कितना छोटा सा प्लांटर में ये प्लांट लगा था, स्नेक प्लांट। और इसमें देखिए रूट बॉन्ड हो गया है और ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, ये क्योंकि डिवाइड होने वाला प्लांट है। तो एक प्लांट आप लगाते हैं और उससे अनेकों प्लांट बन जाते हैं, तो ये प्लांटर एकदम फटने वाला है। इसी वजह से मैं इसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट है उनको कट करके निकाल दूँगी और इसकी रूट भी कुछ कट कर दूँगी और इसको दोबारा से इसमें लगाऊँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और क्योंकि ये देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो गए हैं। तो आपके प्लांट के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी ये कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहें। ये इतना टाइट हो गया है कि इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मैं बहुत देर से परेशान हो रही हूँ। फाइनली मुझे इसको कट करके निकालना पड़ रहा है, देखती हूँ कैसे निकल पाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मशक्क़त के बाद देखिए एक पॉट सहित प्लांट बाहर आया है। पॉट सहित नहीं है एक्चुअली, उसमें रूट्स देखिए इतनी बुरी तरीके से वो हो गई हैं कि ये पॉट का मतलब शेप भी स्क्वायर शेप में था और इसका शेप भी देखिए कैसा हो गया। तो इसको निकालने में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत मुश्किल से निकल पाया है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करके निकालूंगी और इसमें दो चार ही प्लांट लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। तो आपको खुरपी के सहारे धीरे धीरे करके इसकी मिट्टी को और जड़ों को खोलना है ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको अलग करके आप ये प्लांट को अलग कर रखें, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम अंदर से एकदम जॉइंट से रहते हैं, तो इनको अलग करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत ही मशक्क़त के बाद ये देखिए ये प्लांट्स को अलग कर लिए हैं और इसके मैं कई प्लांट बना लूँगी और मुझसे कई लोगों ने मांगा था तो मैं दे दूँगी। और इसको देखिए तोड़ तोड़ के इसमें रूट सहित आप जितने इसके, तो लीफ से भी क्योंकि ये ग्रो किया जा सकता है तो ये बहुत ईजिली लग जाता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। और ये एक आपका ऑक्सीजन प्यूरीफायर प्लांट होता है, तो इसको घर में लगाना बहुत ही मतलब अच्छा होता है, आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं। और ये देखिए अब मैं इसको इसमें लगाऊंगी और एक इसमें लगा दूंगी, दो प्लांट तैयार कर लूंगी और बाकी जिसको चाहिए होगा मैं इधर दे दूंगी। तो ये मैंने दोनों प्लांट अपने तैयार कर लिए हैं। एक मेरी सिस्टर ने मांगा था कि छोटा वाले प्लांटर में जो लगाया है ये मैं उसको देने के लिए लगाई हूँ, और ये वाला प्रून करके मैंने इतना बचाया है और इसी से अभी देखिएगा साल भर के अंदर ये पूरा पॉट पूरा फिर से भर जाएगा। तो अगर आपके भी पॉट में ऐसा रूट बॉन्ड हो रखा हो तो आप भी ऐसे सही कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।